और आपको बता दें कि हिंसा की आशंका को लेकर एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी, क्योंकि बाबा राम रहीम के लाखों की संख्या में समर्थक हैं। धारा 144 लगा दी गई है। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है और ये सवाल पूछा है कि जब धारा 144 लग गई तो फिर वहां पर भीड़ कैसे जुट गई, क्यों ना डीजीपी को सस्पेंड कर दिया जाए। ये हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, सेना को बुलाकर रखा जाए। हाईकोर्ट ने यह तक कहा है क्योंकि सवाल पूछा कि धारा 144 के बाद लोग झुंड में इकट्ठे खड़े नहीं हो सकते हैं, चार से पांच से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते एक साथ, तो फिर भीड़ कैसे लग गई जब धारा 144 लागू है, क्यों ना डीजीपी को सस्पेंड कर दिया जाए। यह बड़ी बात हाईकोर्ट ने कही। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। अंकित, बिल्कुल ये सवाल है भी कि जब धारा 144 लागू है तो फिर उस पूरे इलाके में इतनी भीड़ जुट कैसे सकती है? जी बिल्कुल, एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका लगाई गई थी, इसमें भी यही कहा गया था कि एक तरफ पुलिस कहती है कि धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन अगर पंचकुला की सड़कों पर देखेंगे तो इस वक्त अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो डेरा समर्थक पंजाब की सड़कों पर है, फुटपाथ पर है, यहाँ जितने भी पार्क है वहां है, और हर जगह कमोवेश वही डेरा समर्थक है और बड़ी संख्या में वो संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो जो जनहित याचिका में सवाल उठाया गया था उसी पर सुनवाई करते हुए जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है उसने यही सवाल किया है कि आखिर धारा 144 का मतलब क्या है, अगर आप जो लोगों को रोक ही नहीं पा रहे हैं, लोग इतनी बड़ी संख्या में आते जा रहे हैं, हिंसा की आशंका बनी हुई है, तो फिर आप ये पुलिस वहां क्या कर रही है, प्रशासन से सवाल पूछा है। इसके साथ ही में ये भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन नाकाम है तो क्यों ना उनके डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि एक टिप्पणी है लेकिन एक सख्त टिप्पणी, और वो जो पंचकुला में हालात बने हुए हैं जहां अभी मौजूद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार संख्या बढ़ती जा रही है डेरा समर्थकों की, उसको देखने के बाद में ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से की गई है टिप्पणी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह यहां तक कह दिया कि क्यों ना डीजीपी को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि जब धारा 144 इस इलाके में लग गई है तो यहां पर डेरा समर्थकों की भीड़ जुट कैसे सकती है। बाबा राम रहीम के लाखों की संख्या में समर्थक है, वो सभी समर्थक उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तस्वीर पंचकुला की है, यहां पर भी देखिए आप डेरा समर्थक नजर आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर सिरसा की है, हालांकि सिरसा में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरों में कुछ हद तक तस्वीर साफ होती है, लेकिन हाई कोर्ट का ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस इलाके में धारा 144 लग जाती है वहां पर झुंड में लोग इकट्ठा खड़े नहीं हो सकते, तो फिर डेरा समर्थक इतनी संख्या में उस इलाके में पहुंचे कैसे। ये सवाल पूछते हुए हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी कर डाली कि क्यों ना डीजीपी को ही सस्पेंड कर दिया जाए। सेना की तैनाती की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि समर्थक बहुत से हैं बाबा राम रहीम के, उन्हें संभालना एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती दोनों है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।